भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मार के क्यों जा रहा है? हैं, मैं कैसे चला रहा हूँ? तो आप बता दो भाई मैं कैसे चला रहा हूँ। लगाओ भाई, क्या हो गया था? तो आप बताओ कैसे चला रहे हो आप यार? यार मैं तो नॉर्मल सीधा ही चल रहा था, इस वक्त तो मैंने कट भी नहीं मारा कुछ भी। कोई नहीं, यही है। नहीं नहीं हम माउंट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और भाई आज का जो ट्रिप है, नाइट ट्रिप है, वैसे कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इस वजह से मैं निकला नहीं था सुबह में। तो मेरे लिए राहुल ने कहा कि यार नाइट में निकलेंगे, थोड़ा घूम कर आएंगे। तो अभी द्वारका विगस मॉल जा रहे हैं, वहीं पे तो आगे देखो तो राहुल चल रहा है। तो राहुल भैया गलत ना निकल जाए इसलिए मैं आगे आऊँ पहले। काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा मैंने वो रूट लिया है कि चलो कोई नहीं, तबीयत ख़राब है, पैर में भी दर्द है, लेकिन जब बुलाया तो भाई जाना पड़ता है, दोस्तों का भी सुनना पड़ता है कभी कभी। लेकिन आज वैक्सीनेशन की वजह से बैंड बजी पड़ी है, इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, नहीं वो क्यूरियोसिटी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छा कुछ लेके आऊँ। मैं सोच रहा हूँ पता ही क्या, ये आज ना मॉल में ऐसे चलते हैं, ये हेलमेट लगा के ऐसे कैमरे से शूट करते हुए ना, बस भरे मॉल में इसी तरीके से घूमूँ, करना सही रहेगा। चल गुरु करके देखते हैं क्या लग क्या होता है, अभी देख ही लेते हैं। कोई नहीं बेटा, बताऊंगा सबको बताऊंगा, लेने तो सुपर बाइक, लेकिन अपना काला तेंदुआ अभी कम नहीं है किसी से। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा एक्सीडेंट जोन है, इस वजह से नॉर्मल चलाना नहीं बेहतर है। कभी कभी देखो स्पीड के चक्कर में या रेस के चक्कर में ना खुद को नुकसान कभी मत पहुँचाना, क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर ना ही गाड़ी रहेगी ना ही तुम रहोगे, और जब तुम ही नहीं रहोगे तो रेस किससे करोगे। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप व्हीकल लेके निकलते हो तो आराम से और बढ़िया चलाओ। टर्नल से यार मुझे बहुत पसंद है, एक टर्नल हो गया और फ्लाईओवर हो गया, इन सब पे चलने में ना बड़ा मज़ा आता है मुझे तो। और इन पे गाड़ी भगाना, ओए ओए राउंड वाला सर्कल लेना स्पीड में, गदर लगता है कसम से यार। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस ना बनाई दूँ, जिस दिन बढ़िया बाइक आई उस दिन देखना स्पीड, हर एक चीज़ दिखेगा तुम्हें। और स्टंट भी सीखनी है भैंस की टांग, तो स्टंट के लिए भी मुझे मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, अगर मैं इतना अभी अचीव कर पाया हूँ तो मेहनत की वजह से। इसी वजह से दोस्तों ध्यान रखो कि जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हो जो मुझे फॉलो करते हो, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं यही बताऊंगा कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट अपने आप ही आएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ना ब्लॉगिंग करना, मोटो ब्लॉग करना, उसको मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि पर डे के वीडियोज़ लाने की कोशिश करो और कंटिन्यू रखो वीडियोज़ जो है, कंटिन्यू रखे हो तो चैनल पर ट्रैफिक बना रहेगा और चैनल जो है मेहनत देखती है। यूट्यूब हमेशा पहले आपको परखेगी कि आप कितना सह सकते हो, और आपको परखने के बाद जो है यूट्यूब थोड़ा सपोर्ट करेगा, और थोड़ा सा सपोर्ट उसका चाहिए था और बस उठा देती है यार। पब्लिक हमारी बहुत अच्छी है, उनको जो लोग पसंद आते हैं वो एकदम से उठ जाते हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा और चाहिए यार, इतने से काम नहीं चलने वाला। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी गेन करना है मेरे को, जितना जल्दी हो सके, आप लोग के भरोसे ही बैठा हूँ मैं। 10,000 सब्सक्राइबर के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। 5,000 सब्सक्राइबर हुआ था तब मैं शो किया था अपने चैनल पे सब्सक्राइबर, जब 10 हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो लूँगा, कोई भी एक्सेसरीज लूँ लेकिन लूँगा, दिखाऊँगा कि भाई कैसा है। अच्छी बन जाती है जब मैं गाना गाता हूँ ना, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाती है, आपका पता नहीं लेकिन मैं तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ गाना गाते हुए, चलना और खो जाना, अपने गाने लिखना, मोटो ब्लॉगिंग पे ये बड़ा ही चूतिया था। भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मार के क्यों जा रहा है? हैं, मैं कैसे चला रहा हूँ? तो आप बता दो भाई मैं कैसे चला रहा हूँ। लगाओ
भाई क्या हो गया था? क्या हो गया बताओ? तो आप बताओ कैसे चला रहे हो आप यार? यार मैं तो नॉर्मल सीधा ही चल रहा था, इस वक्त तो मैंने कट भी नहीं मारा कुछ भी। हाँ यार आपने स्पेस दिया मैं निकल गया, ठीक है। जब तुमने हॉर्न दिया मैं स्पेस ढूंढूंगा जब तो निकालूंगा ना। या इसका मतलब ये थोड़ा है कि मार के चले जाओगे यार? मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ यार, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ यार। यार तुम सीधे शीशे पे मार के जा रहे हो और कह रहे हो इसमें दबाने वाली बात कौन सी आ गई, ये बताओ। अच्छा तो यार एटलीस्ट स्लो कर लेते यार, थोड़ा तो वक्त देते। एक सेकंड में हॉर्न दबाया और बस थक। तो यार समझता हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है ठीक है भाई, कोई नहीं, लेकिन प्लीज चलो। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है यार अचानक से, मतलब जानबूझ के बंदा मार के ही जा रहा है, अलग ही लेवल। ये तो समझ नहीं आया था क्या ये। और इसमें जब अगर हो जाए तो बंदे बोलते हैं कि यार हमेशा लड़ने वाली वीडियो ही बनाते हो। अब मैं इसमें क्या गलती थी मेरी, उसने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाते के साथ ही उसे स्पेस चाहिए था। वाओ थोड़ा टाइम लगता है यार, देखना पड़ता है राइट है राइट लेफ्ट पीछे देखना पड़ता है, जब भी तो स्पेस दूंगा ना, अचानक से स्पेस तो नहीं दे सकता। और राहुल आगे चला गया था, इसने देखा नहीं मेरे को। अबे एक स्कूटी वाला ठोक गया। हाँ उसके बाद बोल रहा रुक रुक रुक। हाँ अभी किया मैंने, कहा रुक बेटा रुक, रोक ही ले तू। कह रहा मैं हॉर्न दे रहा था, मैं हॉर्न दे रहा था तो तूने साइड ही नहीं दिया। हाँ तो भाई वेगस मॉल हम पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, बस 100 मीटर की दूरी पे ही होगा, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे होगा। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें वहाँ का नज़ारा, वहाँ का नज़ारा अलग ही है। और अभी पार्किंग के देखना सैर करा के सारे नीचे नीचे नीचे, मतलब बहुत नीचे तक ले जाते हैं ससुरे। तो चलो ये आ गए हम वेगस मॉल। तो इसका चौका चांद जो है सामने से ज़्यादा दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे बिताया है इसलिए मुझे याद है और मुझे नॉलेज में है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी चले अंदर, तो भाई देख लो यहाँ से नज़ारे। और अभी आएंगे घूमेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल पार्किंग में चलते हैं। ये वाला सर्कल ना बड़ा ही अच्छा सा लगता है मुझे कसम से। ये राहुल कुत्ता ये चिल्ला रहा है देखो। सुधर नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता, सीखा तो तेरे से ही है। सीखा तो तेरे से ही है। तो भाई अभी हम मूवी देखने आए थे वेगस मॉल में, तो मूवी वूवी देख कर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया, पुष्पा देखा था हमने और काफ़ी अच्छा है ये PVR है, एक लुक देख लो। बट कभी हम एक टाइम फिक्स करके मैं आऊँगा यहाँ का रिव्यू देने, पूरे तरीके से सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो देखो और ये रहे, ये रहा कंजड़, इस सिंह को भी ले ले। हाँ यहाँ से एग्जिट है। तो भाई हम लोग का पैकअप हो गया, चल निकल रहा हूँ। हैं और तुझे डर गए? कोई नहीं यही है,
नहीं नहीं हम माउंट करते हैं। सद्दाम ब्लॉग है भाई। अरे नहीं ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं भी निकल रहा हूँ। मेरे दो अनमोल रतन कहाँ हैं? भाई पूरा मॉल ठंडा पड़ गया अब तो।